नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शत्रु पर वशीकरण किस तरह से किया जाता है। अगर आपका शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहा है और आपको हर तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने वश में करके किस तरह से आप हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे दिए हुए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यक है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपको हर तरह से परेशान कर रहा है, वो चाहे कारोबार में हो, चाहे पारिवारिक समस्याओं को लेकर हो, आप इस उपाय की सहायता से हमेशा हमेशा के लिए अपने शत्रु को शांत कर सकते हो और अपने दुश्मन को सबक सिखा सकते हो। दोस्तों, आज जो उपाय आपको बताया जा रहा है, यह बहुत ही चमत्कारी वह सिद्ध उपाय है। तो आइए दोस्तों, बिना समय को खराब किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि इस उपाय का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते और कम समय के अंदर ही आपको सीधा उपाय बताना चाहते हैं। दोस्तों, इस उपाय को दो तरीकों से किया जाता है, तंत्र क्रिया और अघोरी क्रिया, और आज हम आपको दोनों क्रियाओं के बारे में ही बताएंगे कि जो भी आपको सरल लगे उस तरीके से आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिखाए जा रहे यंत्र को सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल चंदन के द्वारा लिखें। ध्यान रखिएगा, आपने इस यंत्र का निर्माण रात्रि के समय में ही करना है और इस यंत्र के पीछे आप अपने शत्रु का नाम लिखें और उसका जाति वह गोत्र लिखें। उसके बाद दोस्तों, आपने इस यंत्र को अपने शत्रु की फ़ोटो के साथ लपेटना है और लपेटने के बाद इसको लाल धागे से अच्छे से बांध दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपने थोड़ी सी मिट्टी चौरस्ते से लेके आनी है और उस मिट्टी के साथ ही इस यंत्र वह फोटो को किसी गमले में दबा दीजिए और उसके ऊपर कोई भी कांटो वाला पौधा लगा दीजिए। दोस्तों, आपने 3 दिन तक लगातार उसको पानी से सींचना है और 4th दिन आपका शत्रु खुद ब खुद आपके कदमों में आके गिरेगा। दोस्तों, इसी उपाय को अघोरी क्रिया में करने के लिए आपने इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर खून से लिखना होगा और खून से लिखने के बाद चौरस्ते से आपने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और मिट्टी लेने के बाद अपने शत्रु के घर के सामने गड्ढा खोदकर इसको वहाँ पे गाड़ देना है और रोज़ाना जब भी आप वहाँ से निकलें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएं। दोस्तों, जैसे ही आपका शत्रु इस यंत्र के ऊपर से गुजर गया, उसी वक्त वह आपके वशीभूत हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको परेशान करना बंद कर देगा। दोस्तों, इस यंत्र का एक और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर किसी भी नगाड़े के ऊपर इस यंत्र को चंदन या कुमकुम के द्वारा उसके ऊपर बनाएं और बनाने के बाद उसे रोजाना बजाएं, तो इससे भी शत्रु की नींद हराम हो जाती है। ऐसा करने से आपका दुश्मन उन सभी लोगों से माफ़ी मांगेगा जिन जिन के साथ उसने बुरा किया हो। दोस्तों, यह ऐसे उपाय हैं जिनकी सहायता से आप अपने शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं और उसको अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अन्य सहायता की आवश्यकता हो या इस कार्य में भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो उसके लिए आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।